हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। सीएसएस में बिफोर एंड आफ्टर जो कि आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इजीएस्ट वे में कैसे समझना, ये बहुत इजीएस्ट वे में अभी मैं बताने वाला हूँ। एकदम सिंपल सा एक चीज़ है, एग्जांपल लेकर ओके, एचटीएमएल सीएसएस कोड से, बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस कोड का ही पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर चलते हैं, बहुत इजीएस्ट वे में समझने वाले। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टीज से लेकर ओके। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे सीएमडी करके ओपन कर लेता हूँ और इसे डायरेक्टली वीएस कोड पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये बाकी चीज़ों को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये फोल्डर वगैरह टर्मिनल वगैरह को ओके। और फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले, मुझे यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल ज़रूर बनानी पड़ेगी भाई, ये ऑथर तो है, कितनी बार ट्रस्टेड ऑथर से भाई, कितनी बार ये पूछता रहता है अपने को, ट्रस्टेड है कि नहीं है प्रोजेक्ट ये फोल्डर। ओके, तो कोई नहीं, तो अभी यहाँ पर हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये देखो डालने पर यहाँ पर आ गया है, थोड़ा यहाँ पर हमने ऑन किया है तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन सब लोड ले रहा है, थोड़ा ले रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें बता रही है। ओके, तो यहाँ पर एक और फाइल में बना देता हूँ, बेसिकली एक स्टाइल्स करके भी बना देता हूँ, क्योंकि हमें सीएसएस में करने वाले सारी चीज़ें, तो स्टाइल्स डॉट सीएसएस में डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर एचटीएमएल का जो हमारी पुरानी वाली एमेट है वो भी मैं डाल देता हूँ, और फिर उसके नीचे मैं यहाँ पर हमारी जो स्टाइल को उसे भी मैं लिंक करवा देता हूँ, हमारी स्टाइल्स को भी। ओके, और फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। ओके, सिंपल सा डिव बनाने का भी शॉर्टकट तरीका है गाइस। और फिर मैं उसको मैं दे देता हूँ नाम, एक काम करता हूँ कस्टम करके मैं दे देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं बॉर्डर का एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो बॉर्डर में करके नाम दे देता हूँ इसको, और फिर मैं यहाँ पर बॉर्डर बना देता हूँ, इसकी क्लास बना दिया, आई मीन डिव बना दिया, उसकी क्लास का नाम बॉर्डर दे दिया। ओके, तो और फिर यहाँ पर मैं कंटेंट करके मैं दे देता हूँ, कंटेंट विथ, एक काम करता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर, स्पेलिंग मिस्टेक आपको भी दिख रही होगी, एंड आफ्टर। ओके, तो ये चीज़ सही है। अभी डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सीएसएस के अंदर आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर मैं अपना सारा जो बेसिक स्टाइलिंग है उसे मैं शुरू कर देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले इसे मैं यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में कर देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, एचटीएमएल से मैं यहाँ पर ओपन करके थोड़ा सा लाइव प्रीव्यू ले लेंगे, ताकि यहाँ पर लाइवली हम देखेंगे सारी चीज़ें, हम जो भी स्टाइलिंग करते हुए आ रहे। ओके, तो सबसे पहले डॉट डाल के हमारी ये जो बॉर्डर है उसको मैं उठाता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर जो है, यहाँ पर बॉर्डर लिखने से पहले मैंने कुछ टाइप किया था, शायद किसी लोगों ने देखा नहीं, बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, एक काम करता हूँ पैडिंग से पहले इसे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ थोड़ा सा, तभी आपको समझेगा, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा एक्वा दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सेव कर दिया। बेसिकली इसकी जो स्टाइल से ये सारी चीज़ें हमने जो बनाई है एकदम प्रॉपर तो है ना गाइस, एक काम करते तो ठीक है, कोई नहीं एकदम प्रॉपर है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने बैकग्राउंड कलर जो दिया था वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं मैं यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ 20px, थोड़ा पिक्सल्स देके। तो अभी यहाँ पर कोई भी चेंजेस दिख नहीं रहा है गाइस, स्टाइल्स, ओहो एक सेकेंड, यहाँ पर हमने जो लिंक कराई है यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस है, स्टाइल्स नहीं था। ये देखो, जैसा मैं यहाँ पर स्टाइल्स डाला तुरंत यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो गई, वही मैं यहाँ पर चेक कर रहा था एक्चुअली जो है सारी चीज़ें हो रही कि नहीं। ठीक है, तो हमें डाउट था, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, काम करते हैं टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है उसे सेंटर कर देंगे, अभी ये नीचे आ गया है। ओके, और थोड़ा पोजिशन भी जो है ना, इसकी पोजिशन है ना रिलेटिव कर देते, ताकि ये है ना हमारी जो पोजिशन है वो बॉडी से मैच करवाए। ओके, वो भी मैंने दे दिया। और फिर यहाँ पर अभी तो फिलहाल पोजीशन यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं मार्जिन दे देता हूँ तो प्रॉपरली आ जाएगा, 50px मैंने मार्जिन दे दिया। ओके, तो अभी यहाँ पर बेसिक सी स्टाइलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा कुछ उतना करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देखने वाले इसीलिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बिफोर बनाता हूँ, एक काम करता हूँ बिफोर भी बनाता हूँ और आफ्टर भी बनाता हूँ, सबसे पहले डाल के। ये देखो, बिफोर बनाने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, बेसिकली बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा तो, बट मुद्दा ये है कि यहाँ पर ना बहुत लोग को ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर नहीं होता होगा, बिफोर कब आफ्टर कब, बिफोर बेसिकली होती क्या है, आफ्टर बेसिकली होती क्या है, ये दोनों चीज़ ना, बिफोर जो है ना हमारी कुछ कंटेंट, ये जो पूरी कंटेंट है समझो, इस कंटेंट दिखाने से पहले हमें कुछ दिखाना है तो बिफोर हम यूज़ करके उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, वो चीज़ होती है बिफोर। ओके, और आफ्टर जो होती है इस कंटेंट को दिखाने के बाद, बिफोर भी दिख जाएगा फिर कंटेंट भी दिख जाएगा, उसके बाद हम आफ्टर यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टी उसमें यूज़ करके हम कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अतरंगी हरकतें करना चाहते हैं, उसे हम यहाँ पर आफ्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं। बरोबर, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली ये बिफोर और जो आफ्टर है ना, ये सिडो क्लास है गाइस, सीएसएस की है ना सिडो क्लास है। ओके, तो ये चीज़ तो मैंने बना दिया, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक और मैं बना देता हूँ, आफ्टर मैं बना देता हूँ, एक और मतलब आफ्टर बना देता हूँ,
ताकि दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हम करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर होता हुआ दिखेगा। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना ये देखो, यहाँ पर ना इसमें ना बॉर्डर बनाने वाला हूँ। बिफोर के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन सा बॉर्डर बनाता हूँ, आफ्टर के लिए नीचे यहाँ पर एक लाइन सा बॉर्डर बनाता हूँ। सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसकी जो ऊपर बाय डिफॉल्ट है ना, बेसिकली CSS क्या करती है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पर बनी हुई होती है उसकी वजह से हमारी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो शो नहीं कर पाती। तो हमें यहाँ पर इस कंटेंट को यहाँ पर जगह से ना थोड़ा क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर बेसिक सी एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे और वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर दे दूंगा दोनों में, आफ्टर में भी। ठीक है, तो कंटेंट दे दिया और फिर यहाँ पर भी एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने दे दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पर कंटेंट के नीचे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले कि एक विड्थ वाली एक काम करता हूँ, एक बॉर्डर डायरेक्टली मैं बनाता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर सीधा दे दूंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ कलर मिलता है क्या पहले दे देता हूँ, वरना फिर डायरेक्टली रेड दे देंगे। एक काम करता हूँ, क्रिमसॉन करके कुछ आया वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसकी जो विड्थ है वो मुझे कितनी रखनी है, एक 100% कर देंगे ताकि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से हम ले लेंगे। और फिर यहाँ पर इसकी विड्थ मैं दूंगा तब आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता हुआ दिखेगा, होप सो। ये देखो 5px मैंने दे दिया, बट यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है, अभी भी स्टिल विजिबल नहीं हो रहा है। बिफोर वाली प्रॉपर्टी ऊपर की जो बॉर्डर लाइन है वो विजिबल नहीं हो रही है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा क्या करना होगा, टॉप जो है उसे क्लियर करना होगा, 0% पे लेके आना पड़ेगा। ओके, हाइफन 0 दे देंगे। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ है, थोड़ा लेफ्ट भी जो है उसे एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट भी दे देंगे। ओके, टॉप दे दिया, लेफ्ट दे दिया। एक और चीज़ है गाइस, यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों को देने से पहले मुझे यहाँ पर ना पोजीशन भी तो डिफाइन करनी होगी। पोजीशन इसको ना एब्सोल्यूट करनी होगी ताकि ये जो हमारी सेंटर कंटेंट है, हमारी पूरी बॉडी वाली कंटेंट है और ये बॉर्डर वाली कंटेंट है, उसकी पोजीशन हमने रिलेटिव दिया था। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट मैंने बहुत पहले ही बता चुका था और बहुत सारी इसकी वीडियो भी मैंने बना चुका हूँ। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट मैं दूंगा तब जाके यहाँ पर हमारी जो कंटेंट है वो प्रॉपरली शो होगी। तो यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट जो है मैंने दे दिया। और फिर यहाँ पर एक ये देखो गाइस, यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती भी की, दोनों को विड्थ करके मैंने दे दिया हूँ, तो मुझे यहाँ पर हाइट देनी थी बेसिकली। ये देखो हाइट मैं दे देता हूँ और कंटेंट दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पर एब्सोल्यूट डाला तो कंटेंट जो बिफोर में कहीं और दिख रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉप और जो लेफ्ट जो है उन दोनों को मैंने यहाँ पर एडजस्ट के लिए डाला था। अब दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है गाइस एग्जैक्टली, अभी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होती हुई दिख रही होगी। ओके, और एक और चीज़ है अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें एग्जैक्टली सेम मुझे करनी है, एग्जैक्टली सेम। तो मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, काम खत्म। ओके, तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, आपको छोटा सा यहाँ पर चेंजेस करना होगा। बिफोर जो है हमने अप्लाई किया, मैंने बोला था कि ये जो बॉर्डर वाली लाइन है ना वो मुझे टॉप में दिखानी है, और आफ्टर की जो कंटेंट दिखाने के बाद मुझे कुछ कंटेंट दिखाना है, तो वो वाली जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ पर बॉटम में दिखानी है। तो यहाँ पर टॉप के बदले क्या आएगा, बॉटम आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मैंने टॉप दे दिया हूँ, तो इसके वजह से यहाँ पर वो जो लाइन जो है आफ्टर वाली भी वो भी ऊपर चली गई है। देखो बॉटम मैंने दे दिया, 0 डाल दिया, नीचे आ गया, बरोबर। अब यहाँ पर एकदम आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा, पहले तो मैंने कंटेंट बना दिया, अभी ये सिंपल चीज़ है। ओके, ये कंटेंट बना दिया और ये पूरा अंदर का हमने स्टाइलिंग कर दिया, और बिफोर मैंने डाल दिया कंटेंट को शो करने से पहले, इस कंटेंट को कुछ दिखाने से पहले मुझे यहाँ पर एक लाइन बनानी थी, तो मैंने इस कंटेंट को बिफोर में डाल के मैंने एक बॉर्डर लाइन बना दिया। आफ्टर डाल के इसके बाद वाली मैंने कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो यहाँ पर आफ्टर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बना दिया। अभी मैं आपको एक एक चीज़ कमेंट करके मैं बताता हूँ। ये देखो इन दोनों चीज़ को मैंने हटा दिया। ओके, ये जो बॉर्डर वाली जो स्टाइलिंग हमने की थी इस टेक्स्ट की, वो सारी चीज़ें हट गई है। एक्चुअली क्या होता है, इस कंटेंट के पहले हमें दिखाना होता है, बरोबर। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, इन दोनों को, इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने आफ्टर वाली ये जो कंटेंट मैंने बोला था कि आफ्टर जो है हमारी कंटेंट शो करने के बाद ही दिखती है, बरोबर। तो ये देखो मैंने बॉर्डर वाली जो स्टाइलिंग है वो मैंने हटा दिया, और बिफोर वाली जो कंटेंट के अंदर की ये जो प्रॉपर्टी है, ये बिफोर वाली शेडो क्लास की जो जितनी भी प्रॉपर्टी वो तो शो हो रही है, क्योंकि ये तो बिफोर है ना गाइस, क्योंकि बिफोर है हमें ना कुछ कंटेंट को दिखाने से पहले, कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हमें बिफोर वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है, बिफोर शेडो क्लास वाली जितनी भी प्रॉपर्टी वो हमें दिखनी चाहिए। तो बरोबर यहाँ पर दिख रही है, बरोबर। अभी ये कंटेंट जो है हम यहाँ पर इसे हटा देंगे, तो उसके साथ ही साथ क्योंकि कंटेंट तो दिख गई है, बिफोर भी दिख गया पहले और कंटेंट भी वापस आ गया, और फिर आफ्टर तो ऑटोमेटिकली दिखना ही था। ओके, तो यहाँ पर अभी क्लियर हो गया होगा बिफोर एंड आफ्टर का बहुत ही सिंपल वे में।
कुछ ज़्यादा बड़ा था ही नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। बस इतना समझो कि जो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी सिंपली जो स्टाइलिंग होती है उसमें उस कंटेंट को दिखाने से पहले, कुछ चीज़ों को दिखाने से पहले बिफोर सीडो क्लास यूज़ करके हम यहाँ पर कंटेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखा सकते हैं। सेम चीज़ आफ्टर, आफ्टर मतलब हमारे कंटेंट के बाद कुछ दिखानी है। ओके, तो बहुत सिंपल चीज़ था CSS के अंदर। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये देखो अभी मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर ये जो है इसको भी मैं अनकमेंट करता हूँ। ओके, तो ये देखो आई मीन कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पर एकदम साफ दिख रहा होगा, एकदम साफ दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, और फिर मैं इसको कमेंट से हटा देता हूँ। ये देखो अभी ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एकदम साफ दिख रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, तो बेसिकली ये हटाने से, ये हट क्योंकि कलर की वजह से दिख रहा है कि वो एक्चुअली बिफोर है। अभी यहाँ पर कलर नहीं है तो कुछ दिख नहीं रहा है, बरोबर, क्योंकि यहाँ पर तो आफ्टर का मैंने कलर रखा हूँ, पूरी प्रॉपर्टी में दिख रहा हूँ। कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता, अभी यहाँ पर देख के समझ में आ गया होगा बिफोर एंड आफ्टर कैसे वर्क कर रही है। ओके, तो बेसिक चीज़ है, सिंपल था, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं। बिफोर एंड आफ्टर इससे ज़्यादा एकदम क्लियरिटी ईजी लेवल पर कोई नहीं बता सकता गाइज। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो वीडियो भी बहुत सारी आ गई है हमारी चैनल के अंदर भर भर के, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।